हाँ बताओ दर्शन बताओ क्या हुआ दादी मैं बता दी होगी क्या बात कर रही कर पाया ये जो मकान बने हैं जो नहीं गिरा है ये भी वन विभाग नहीं है नहीं वो नहीं है सर वो तो लगानी है नहीं वो काय है वो सर लगानी नहीं है अच्छा ये हमारे मकान गिराए हैं ये कब से तुम्हारे मकान बने ये हम 7 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं 7 साल से 7 साल से जी सर राजू अहिरवार का बोला जरा बेटा बेटा संजय सर सर बाहर काम करने का उनका ताला डला था घर तोड़ दिया तो नहीं निकल गया सर हमारा यहाँ पे आप लोग पास कितने लोग ऐसे जिनके पास जमीन है खेती की सर जमीन हमारे पास नहीं सर किसके पास है कितने लोगों के पास है पता नहीं जमीन के पास है किस किसके पास है जमीन ये सरकार यहाँ पर जो है ना गरीब दुर्गों को मारे में तुझे और ये जो तुम्हारा विधायक है इसका दिमाग खराब हो गया है कांग्रेस में था तब तक तो तुम्हें तुम्हारी गरीबों की आवश्यकता थी अब क्या हो गया उसको पता नहीं मोदी जी रोज कहते हैं मैं गरीब के लिए कर रहा हूँ शिवराज सिंह चौहान को रोज कहते हैं मैं गरीब के लिए क्या कर रहा हूँ जो मकान जहाँ बना उसको गिराएंगे नहीं बने तो मकान गिरा और तो प्रधानमंत्री आवास योजना गिरा दी मकान ये तो प्रधानमंत्री की गाल पे तमाचा है तुम बनवाओ हम तोड़ेंगे प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहिए मंत्री से तुमने कैसे गिरवा दिए मंत्री कहता हमारे नहीं मालूम डीएफओ ने जिसने गिराए रेंजर ने गिराए उनको बर्खास्त करो किस आदेश तुमने तोड़ दिए और अनुसूचित जाति जनजाति का अत्याचार अधिनियम के खिलाफ गिरफ्तार करो उनको मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ये कानून काय के लिए है दर्शक जी जी बिल्कुल जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी मैं तो यहां से हटने वाला नहीं हूं यहीं सोऊंगा इसके साथ से कहा है कि 3-4-5 चीजें मेरी हैं जिस पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ एक तो जितने लोगों के घर रहने वाले लोगों के घर गिराए गए हैं उनको आप जब तक इनका नया घर बनके तैयार ना हो जाए उनके ठहरने के रहने की व्यवस्था करें उनके भोजन की व्यवस्था करें अनाज वनाज सब चला गया नहीं वो तो दो तीसरा इनको मकान बनाने के लिए आप कहीं से भी पैसा लाएं इनको मकान बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना पैसा मिलता उतने देगी ये अपना मकान बना और जब तक मकान नहीं बना रहे तब तक उनको रहने की व्यवस्था करेंगे चौथा वन विभाग के अंतर्गत जितने भी अतिक्रमण हैं सागर जिले के उसकी सूची मुझे चाहिए और कब से है पांचवा जो रेंजर है उसको आपने सस्पेंड तो कर दिया है शेड्यूल कास्ट एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट उस पर लगना चाहिए
क्योंकि उसने आपकी अंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी उसने मकान तोड़े और उसने एससी के मकान तोड़े। ये हमारी रिपोर्ट है, रिपोर्ट दर्ज कर ली। आप इस जिले में तो एससी एससी तो धड़े से लगता है, एक आध हमारे भी लगा लीजिए। कितने आपने एससी एससी रेट लगाए मैडम को भी मालूम है कि एक आध मीन हमारी एफआईआर भी दर्ज करा ली। ये पांच छह चीजें मैंने बताई हैं, आप लिख के मुझको दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा उनकी व्यवस्था कर दूंगा। नहीं तो मैं बैठा आप लिख के दीजिए। नहीं नहीं कमिटमेंट की बात मैं नहीं सुनता। कमिटमेंट आप क्या कमिटमेंट की बात माने आपसे? किस बात का कमिटमेंट? नहीं दे सकता मैं तो बैठा हूँ। ठीक मेरे लिए आज इससे बड़ी कोई मेरा इशू नहीं है। यहीं रोकूंगा, यहीं सोऊंगा, जो भी होगा नेतागिरी करने लिए आया हूँ। आप चले जाइए, जाके बैठ के चीफ साहब से बात कर लीजिए, कभी साहब से बात कर लीजिए। वो सारी चीजें जो सर आपने बोली हैं वो वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकार की लोग करेंगे। मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। मैं लिखित में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से लिखना चाहता हूँ। आप लिखित में नहीं दे सकते, मना कर दीजिए। मैं अरे एफ आई आर दर्ज कर अधिकार तो है वो सब परीक्षा के बाद। नहीं नहीं ठीक है, हमारी एफ आई आर तो ले लेंगे आप। हाँ ठीक है, एप्लीकेशन देखिए 7 दिन के अंदर हमको बता दीजिए कि उसमें दर्ज हो रहा कि नहीं हो रहा, ताकि फिर मुझे कोर्ट में जाएं। जीरो पे टाइम दे दीजिए, नहीं तो 482 में हाईकोर्ट चलाएंगे सर। जो भी होगा देखेंगे, मुझे लिख के दे दीजिए और इनकी व्यवस्था कर दीजिए। लिख के दीजिए कलेक्टर साहब, मैं नहीं जाने वाला कल से आज तक। तो ये लोग ऐसे आप लिख के दे दीजिए। अरे कल साहब, अरे कलेक्टर साहब आप लिख के देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? ब्लैक पेपर लिख के दे सकता हूँ, लेटर हेड पर है सर। ठीक है, ब्लैक पेपर लिख के दे दीजिए, दस्तखत आप कर दीजिए। गड़वा के रखने नहीं मैं जाऊं जो ज्यादा है तुम लोगों की। बोलो जाए राजा साहब, बता दो आ जाओगे और की बता दो पढ़ के बता दो वन विभाग द्वारा दिनांक 21/6/2023 को जिन मकानों को तोड़ा गया है और जो आवासहीन हो गए हैं उनके रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था तब तक प्रशासन द्वारा की जाएगी जब तक उनके मकान नहीं बन जाते। जिन लोगों के मकान वन विभाग द्वारा छोड़े गए हैं उनके निवास हेतु आबादी भूमि में पट्टे दिए जाएंगे। साथ ही पीएम आवास योजना के समतुल्य आवास निर्माण कराए जाएंगे। तीसरा, अतिक्रमण के दौरान जिन लोगों की घरेलू सामग्री की क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाएगी। उक्त दोनों कार्य जन सहयोग से किया जाएगा। चौथा, वन विभाग की भूमि पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उसकी सूची जिला प्रशासन उपलब्ध कराएंगे। पांचवा, जहां तक रेंजर लाखन सिंह ठाकुर के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एफआईआर दर्ज करने का प्रश्न है तो उस पर आवेदन प्राप्त होने पर जांच एवं विवेचना उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वन अधिकार अधिनियम का रेपुरा ग्राम में सर्वे की जानकारी देंगे कलेक्टर साहब और डीएफओ साहब के इस पे दस्तखत। ठीक है, हमारी चर्चा कलेक्टर साहब डीएफओ साहब एसपी साहब के सामने हुई, उसमें ये स्वीकार किया उन्होंने कि रेंजर ने गलती की
उसे निलंबित कर दिया गया, नंबर एक। नंबर दो, जिनके मकान में लोग रह रहे थे उनको तोड़ने के आदेश नहीं थे, इसलिए वो गलती की है। तीसरा, जिनके मकान टूटे हैं, रहायशी मकान टूटे हैं, उनको गांव में आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। जिनके आवास टूटे हैं उन्हें तहसील की जमीन में आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना खर्च होता है उतना उनको राशि दी जाएगी मकान बनाने के लिए, और वो मकान बनवा के देंगे शासन। जो मकान के अंदर सामान उनका दब गया है, नुकसान हुआ है, किसी की राजू की फ्रिज, नई फ्रिज टूट गई, उसका भुगतान भी सरकार करेगी। उसके बाद यह है कि सागर जिले में जितने लोगों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया हुआ है उसकी सूची वो मुझे 15 दिन के अंदर देंगे। वन अधिकार अधिनियम 2005 में ये प्रावधान है कि जो लोग 2005 के पहले रह रहे हैं उन्हें आवासीय पट्टे, जहां उन्होंने मकान बनाए हुए हैं, रुके हुए हैं, वो पट्टे उनको दिए जाएंगे। तो उस बात का सर्वेक्षण का रिपोर्ट वो मुझे बना के देंगे। इतना बड़ा फैसला एक रेंजर ले सकता है कि ये सब प्रधानमंत्री आवास की कुटी रहे टेरे सब अपने मन से तोड़ दे, आपको क्या लगता है? नहीं, डीएफओ साहब के आदेश से तोड़ा उसने, इसमें डीएफओ भी रिस्पॉन्सिबल हुए, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। और बात यह है कि नोटिस का किसी के पास नोटिस नहीं मिला है, तामील नहीं हुई है किसी भी नोटिस की। सर ये भी एक प्रकरण जानबूझकर किया गया विशेष तौर पे रायपुरा में, क्या मान? ये बताया गया कि यहाँ क्या पत्थर की अच्छी खदान है, तो पत्थर की खदान क्रशर के लिए एक तो मंत्री जी के, हमारे रैली के मंत्री जी का भतीजा उसको मिल गया है यहाँ पे, वो खड़ा हुआ वो। तो एक मंत्री जी के भतीजे मिल गया, दूसरा क्यों ना करे। तो ये उसकी तैयारी हो रही है।